वैसे तो बहुत बातें समझ में नहीं आती, लेकिन ये आज तक नहीं पता चला कि मुसलमान इतने क्यों बदनसीब हैं कि इनका कैलेंडर नहीं चल सकता। हर महीने को मौलवी भाग रहा होता चांद देखने के अंदर। लोग चांद पे पहुंच गए, मार्स पे जा रहे हैं, यहाँ मुसलमान हर ईद पे, रमज़ान में, हज पे दंगा फसाद करते हैं कि चांद निकला या नहीं निकला। तुर्की के अंदर ईद हो रही है, अफगानिस्तान में नहीं हो रही, हिंदुस्तान में, बंगाल में हो रही है, लेकिन साहब यूपी में नहीं होगी। नीचे वाला, केरल वाला कह रहा है भाई हमको तो दिख गया, और पाकिस्तान वाला कह रहा है भाई सऊदी की नज़र में आएगा तो हम भी देख लेंगे। ये इतनी बड़ी स्टुपिडिटी हमारे नसीब में, जबकि सन 915 या 920 में, जिसको 10th सेंचुरी कहेंगे, जो फातिमाई खिलाफत थी मिस्र की, वहाँ एक फिक्स कैलेंडर बन गया था और हर डेट मुतय्यन हो गई थी किस दिन क्या होगा अगले 300-400 साल तक के लिए, जो कभी आपने दुनिया में और किसी को नहीं देखा होगा कि भाग फिर रहा है इधर उधर कि आज दिन क्या है, डेट क्या है, महीना कौन सा। ये बदनसीबी सिर्फ हमारी है, दुनिया में हर एक को पता है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस है, ठीक है, चलो भाई हिंदुओं की भी आपने कई होते हैं, लेकिन उनके यहाँ ऑल्टरनेट कर जाता है क्योंकि मून कैलेंडर बेसिकली वियतनाम से लेके अरबों तक चांद से चलता था। ये जो सोलर कैलेंडर है ये बाद की बात है, लेकिन हर एक को पता है कि कौन सा त्यौहार किस दिन होगा पहले। ये नहीं होता कि अरे भाई वो बिल्डिंग पे चढ़ जाओ, फलाने बैंक के टावर के ऊपर बैठे हुए दो मौलवी दूरबीन लेके और गवर्नमेंट के तीन एजेंट बैठेंगे, भाई चांद दिखा या नहीं दिखा। अपना पिशावर में दिख गया लेकिन कराची में नहीं दिखा, किस कदर जहालत है। लेकिन शायद किसी को पता ही ना हो कि फातिमाइन जो थे उनका फिक्स कैलेंडर था। आपको पता है कि आपके दरमियान वो लोग रहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, यमन, बांग्लादेश, जिधर भी हैं, जो दाऊदी बोरा कहलाते हैं। आप हज करने जाइए तो आपको पता चलेगा कि कुछ गरीब लोग एक दिन पहले या एक दिन बाद उनका हज होता है और उनकी धुनाई की पिटाई भी हो जाती है वहाँ सऊदी मौलवियों से। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने दोनों हज किए हैं, ये फिक्स कैलेंडर वाला भी किया है और जो आम मुसलमान है उनका भी किया है। छुप छुप के डेट जिनकी मुतय्यन है, यानी आज वो बता सकते हैं कि 2025 के अंदर किस दिन होगा, और आप किसी देवबंदी, बरेलवी वगैरह वगैरह मौलवी से पूछे, बोला चांद देखेगा तो वही अपने पता चलेगा। और चांद अगर सऊदी ने देख लिया और बंगाली ने नहीं देखा तो साफ बंगाली की आंखें और सऊदी की आंखें, क्या बात कर रहे हैं आप। और पिशावर में तो कभी दिखेगा ही नहीं क्योंकि वो कह रहा है कि अफगान का नहीं हुआ तो हमारा कैसे हुआ। जस्ट इमेजिन कि हमारे हाथ में फिक्स कैलेंडर है, लेकिन वो जो फातिमाइन जिनको, एक और बात बता, सलाउद्दीन अयूबी ने ठोक के मारा था सबको, जो हमारा बहुत बड़ा हीरो है, उसने दी ओनली डायनेस्टी, दी ओनली खिलाफत जो बीबी फातिमा के नाम की थी, पूरे मिस्र से एक शिया नहीं छोड़ा। साफ आपको शायद पता ना हो, ये अजहर यूनिवर्सिटी फातिमा जहरा के नाम पे अजहर यूनिवर्सिटी है ना, ये कहते हैं ना हाई सीट ऑफ लर्निंग फॉर सुन्नी इस्लाम, नहीं भैया, ये हाई सीट ऑफ लर्निंग ऑफ शिया इस्लाम, जिस पे कब्जा किया और पूरा खाक सबको मिटा दिया सलाउद्दीन अयूबी में, जो बेचारा कुर्दिस्तान से आया और बाद में सुन्नियों का हीरो हो गया। किसी से पूछिए कि फिक्स्ड इस्लामिक कैलेंडर क्या है, और ये जो दुकान खुली हुई है चांद देखने वालों की, वो बैठ के बताएंगे कि ईद किस दिन है। अरे इट इज प्री डिटर्मिंड, दुनिया में लोग हंस रहे हैं आप पे। और वैसे एक और हंसी की बात मैं आपको बता दूं, ये वाहिद कैलेंडर है मुसलमानों का जिसमें स्प्रिंग कभी ऑटम में आता है और कभी विंटर में आता है, यानी रबी अव्वल और रबी तानी का, रबी की फसल या रबी का मौसम जो है, जो स्प्रिंग है, उससे मुतय्यन नहीं है। हर मून कैलेंडर में एक 13वां महीना होता था
आज भी है, वियतनामीज का, चाइनीज का, पंजाबियों का, हिंदुओं का, कि 13वां महीना एडजस्ट होता था हर 3 साल बाद और वो फिर कैलेंडर वापस आ जाता था 365 डेज का। जो अरबों का औकाज का महीना था वो गायब हो गया किसी तरह, गलती में इधर उधर एडजस्ट नहीं हो पाया हमेशा हमेशा के लिए। एग्रीकल्चर जो है इस्लामिक वर्ल्ड में इस्लामिक कैलेंडर के साथ नहीं हो सकती। कहते ना रबी की फसल है, रबी की फसल होती है, रबी मीन स्प्रिंग ना, तो उसको तो हिलती जा रही है आगे पीछे, 10-10 दिन घूमती रहती है। तो हम बेसिक्स पे भी नहीं तय कर पाए हैं और समझ में नहीं आता कि इसमें दिक्कत क्या है। तो अब मसला सिर्फ ये रह गया है कि ये जो दिल के अंदर आपके सवाल हैं, जो मैं तो आपके सामने कैमरे पे कह देता हूं, कभी आप अपने आप से आईने में देख के पूछ के कर लीजिए क्या हमारा ये असर क्यों, हमको खुशी से दुश्मनी क्यों है, और बनावटी खुशी से बहुत ज्यादा है ना। चले अगली दफा कोई और मामला लेके आपके पास आऊंगा, शायद आप मुझे समझा सकेंगे।